नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिले में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने जिलेवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा शांतिपूर्वक आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों के द्वारा त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था सहित विद्युत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई इत्यादि दुरुस्त करने का आग्रह किया। उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों द्वारा किए गए मांग को संबंधित विभागों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने दुर्गा पूजा पर सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया। उपायुक्त ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा। उपायुक्त ने कहा कि पंडालों के निर्माण से लेकर साज सजावट करने वाले कारीगरों को सरकारी लाभ के अंतर्गत यदि आते हैं तो उन्हें चिन्हित कर सरकारी सुविधा दी जाएगी। शांति समिति की बैठक में कहा गया कि रावण दहन कार्यक्रम अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में किया जाता है। इसके लिए सिक्योरिटी मनी जमा की जाएगी ताकि साफ सफाई नहीं कराने पर उस राशि से साफ सफाई कराई जाएगी। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी और सभी थाना प्रभारी अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में पुनः शांति समिति की बैठक कर चर्चा कर शांति बहाल हेतु प्रयास करें। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी, अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। इस बैठक में जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के साथ साथ शांति समिति के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शांति समिति की बैठक हुई है, सभी सदस्यों का सुझाव दिया गया है, उसके अनुसार आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। प्रमुखता सीसीटीवी लगाना, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मैटर्स, विसर्जन से संबंधित जो रावण दहन का एक इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम रहता है उसमें कैसे नियंत्रण करना है, चिकित्सा सुविधा देना, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करनी है, साफ सफाई वगैरह सभी चीज़ों पर निर्णय हुआ है। उनके सुझाव बड़े अच्छे थे। पुराने सालों के फीडबैक के अनुसार क्या क्या और भी हम लोग को बेहतर कार्य करना है और इसके बाद इस बार के पूरे एक्सपीरियंस के साथ आगे दीपावली और छठ पर आगे क्या निर्णय लेना है इसके तुरंत बाद फिर एक बैठक की जाएगी। तो हमें आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से जो आज तक कंटिन्यू रहा है उसको आगे भी हम लोग उतने ही अच्छे तरीके से इस पर्व को ही मनाएंगे और गुमला की जो रेपुटेशन है वो बरकरार रहेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हर साल के भांति भी इस बार हम लोग अच्छे से त्यौहार मनाएंगे, इसी की अपील करता है पुलिस प्रशासन सभी आमजनों से। सोशल मीडिया पर भी हमारा 24 घंटे निगरानी रहेगा और हर तरह अफवाह के जो भी चीज़ें आती है उस पर हमने निगरानी कर रहे हैं। बाल बच्चा चोर का भी अफवाह आजकल फैला हुआ है, इस पर भी निगरानी कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हमारा अपील रहे कि ऐसी कोई भी अफवाह आपके संज्ञान में है तो तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें, डायल 100 पे संपर्क करें, नज़दीकी थाना संपर्क करें, कंट्रोल रूम पे संपर्क करें या वरीय पदाधिकारी संपर्क करें।